There's not much to do when all I can is thinking about you, not doing well. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माय फैब लाइफी. मैं दीपा, आज फिर आप लोगों का अपने एक नए वीडियो में स्वागत करती हूँ. आज का जो हमारा हॉल है वो है कुर्ता सेट, एंड दिस कुर्ता सेट इंक्लूड कुर्ता अलोंग विद पैंट एंड दुपट्टा. मैंने कुछ कुर्ता सेट ऑर्डर किए हैं फ्रॉम द अमेज़न से ऑर्डर किए हैं, और मैंने ये बहुत ही ध्यान से चुने क्योंकि जो प्रोडक्ट मेरे पास आया ना गाइज, जस्ट ट्रस्ट माई वर्ड्स, दे आर फैबुलस. व्हेन इट कम्स टू द प्रोडक्ट मटेरियल एंड द फिटिंग, एवरीथिंग इज जस्ट फैबुलस. जो भी ब्रांड है मैं वो मेंशन करूंगी, एंड द प्राइस आई विल मेंशन इन द वीडियो. नीचे मैं टैग लगा दूंगी प्राइस का, तो आपको उसका भी आइडिया हो जाएगा. जो भी कुर्ते मैं यहाँ दिखा रही हूँ बहुत ही ऑनेस्ट रिव्यू होगा आप लोगों के सामने. कोई भी अगर आपको पसंद आए उनमें से तो डिस्क्रिप्शन में लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, और आप वहां से उसको डायरेक्टली ऑर्डर कर सकते हैं. तो चलिए बिना डिले किए हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं. इफ यू लाइक माई वीडियो गाइज, डू लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट, सो दैट इट गिव्स अ काइंड ऑफ मोटिवेशन टू मी एंड आई ब्रिंग अप मोर एंड मोर सच वीडियोस टू यू. सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो. फर्स्ट सेट, दिस इज फ्रॉम द ब्रांड पलक से ये ऑर्डर किया है मैंने. ये पिंक कलर का कुर्ता है. नाउ लेट मी स्टार्ट इट विद दिस इज द नेक डिजाइन. नेक अगर आपको दिख रहा हो तो नेक पे इस तरीके से एम्ब्रॉयडरी की हुई है, और ये लेस वर्क है थ्रू आउट डाउन दैट दिख रहा होगा आपको. गोटा पट्टी है, नेक पे डिजाइन है, स्लीव्स पे भी वही सेम वर्क जो है वो स्लीव पे भी उन्होंने मेंशन कर दिया है ऑन बोथ द स्लीव्स गाइस. द प्रिंट इज फ्लावर प्रिंट पे बोलूंगी इसमें ग्रे का वर्क है और पिंक का, और बेस जो है वो बेबी पिंक है. बहुत प्यारा लगेगा पहनने पे, नो डाउट. ट्राई ऑन हॉल पे आप इसको जरूर देखें. दिस इज अ फैबुलस कुर्ता एंड द लेंथ इज ऑल्सो वेरी नाइस. इट्स नॉट लाइक ए शॉर्ट लेंथ है, नेक से लेकर के एवरीथिंग इज जस्ट थम्स अप फॉर दिस. द ब्रांड इज पलक एंड द साइज आई हैव ऑर्डर्ड इज एल. अलॉन्ग विद दिस कुर्ता I got this pant. Pant जो है उसमें नीचे में ये गोटा पट्टी का वर्क है, आपको दिख रहा होगा गोल्डन कलर का. एंड द पैंट इज प्लेन कैमरिक कॉटन, बहुत ही सॉफ्ट कपड़ा है. ऐसा नहीं है कि जो धोने के बाद खराब हो जाएगा. बहुत ही प्यारा लगा मुझे. एंड द कलर कॉम्बिनेशन इज सुपर्ब गाइस. पिंक विद दिस इट्स लुक अमेजिंग एंड अमेजिंग. तो ये हमारा पैंट हो गया इस तरीके से. इसको अकॉर्डिंगली आप फिट करा सकते हैं. आगे में जैसे हम लोग सिलवाते हैं ना, आगे में बेल्ट है और पीछे में ये इलास्टिक इन्होंने दी हुई है. द साइज इज एल. नाउ दुपट्टा इज ऑल्सो प्योर कॉटन और इस पर लेस वर्क दिया गया है सेम उसी कलर का, उसी कपड़े का जिसका वो कुर्ता है हमारे पास. सो दिस इज द फर्स्ट कुर्ता सेट आई हैव ऑर्डर फ्रॉम द ब्रांड पलक एंड द साइज इज एल. दिस इज अ प्योर थम्स अप फ्रॉम माय साइड. फ्रॉम द मटेरियल टू द डिजाइन एवरीथिंग इज जस्ट सुपर्ब गाइस. आंख बंद कीजिए, कर लीजिए. सेट इज दिस ब्लैक एंड व्हाइट कुर्ता सेट फ्रॉम द ब्रांड सिरीजा एंड आई हैव बिकम अ कंप्लीट डाई हार्ट फैन ऑफ सिरीजा गाइस. जब ये प्रोडक्ट मेरे पास आया ना, आप लोग पता नहीं मेरे वर्ड को बिलीव करोगे या नहीं करोगे, आप इसका एक प्रोडक्ट भी ऑर्डर करके देखो. फैब गाइस, मतलब इसकी जो क्वालिटी है ना, मैं क्या बोलूँ. इसका जो वेट होगा कम से कम अराउंड 400 or 500 ग्राम्स का इसका वेट होगा फॉर श्योर. द फैब्रिक इज सुपर्ब गाइस, बहुत अच्छा है फॉर द प्राइस दे हैव टेकिंग. आप नीचे देख ही रहे होंगे प्राइस, बहुत ही प्यारा है. आप मेरे वर्ड पे ट्रस्ट कीजिए, इसको सेकंड थॉट मत दीजिए. डिजाइन बहुत सारे हैं, कलर बहुत सारे, ये नहीं तो कोई और सही, बट ब्रांड इज सिरीजा. इट्स अ बिग थम्स अप गाइस, बहुत अच्छा है. अमेज़न इज डूइंग रियली ग्रेट वर्क. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द रिव्यू. दिस इज द कुर्ता. कुर्ता का बेस व्हाइट है और ब्लैक कलर के मोटिव्स है थ्रू आउट द कुर्ता. द लेंथ इज अगेन कंप्लीट काफ लेंथ मटेरियल है ये पूरा का पूरा. फैब्रिक जो है थोड़ा सा रेयन मिक्स मुझे लग रहा है इस तरीके से. स्लीव्स पे एक पट्टी वर्क है. द नेक इज अ कॉलर नेक, चाइनीज कॉलर नेक, और यहाँ पर ब्लैक कलर की पाइपिंग दे दी गई है जो कि इसके मोटिव के साथ मैच कर रहा है. सो दिस इज अ प्लेन कुर्ता विद द मोटिव वर्क. बेस व्हाइट है तो बहुत ही प्यारा लगेगा आपका ऑफिस वेयर पे. और इसके पैंट की बात, दिस इज व्हाट, दिस इज द दुपट्टा गाइस. दुपट्टा इतना लेंदी है ना, इतना लेंदी जनरली रेडीमेड में नहीं आता है. दिस इज दुपट्टा. मैं आपको बता, मैं जब इसका ट्राई ऑन होगा जरूर देखता है इसको. ये नीचे में इस तरीके से वर्क है, सेम मोटिव जो आपको कुर्ते पे मिल रहा है. और दिस इज द प्रिंट जो आपको पैंट पे मिलेगा. पैंट पे यही सेम प्रिंट है, ब्लैक विद व्हाइट स्ट्राइप. सो दिस इज अ कंप्लीट, ये बहुत हैवी दुपट्टा है, बहुत लेंदी दुपट्टा है गाइस. सो दिस इज दी दुपट्टा फॉर दिस सूट एंड हियर इज द पैंट. पैंट सेम वही है, इसमें दोनों तरफ से इलास्टिक है, बेल्ट स्टाइल यूज नहीं हुआ है. प्लाजो टाइप है इसकी फिटिंग, यही प्रिंट है, ब्लैक विद व्हाइट कलर स्ट्राइप्स. इसको आप अकॉर्डिंगली अपने साइज के अकॉर्डिंगली ठीक कर सकते हैं. लेकिन गाइज मैं आपको फिर बोलूंगी, इसको जरूर ऑर्डर करें, आप रिग्रेट नहीं करोगे. मटेरियल इज जस्ट ऑसम. जो भी कुर्ते मेरे पास आए हैं ना, मुझे नहीं लगता उसमें से कोई एक ऐसा है जिसे मैं बोलूंगी ये खराब है, चाहे ये खराब हो जाएगा. ऑनेस्ट रिव्यू है गाइज, बहुत अच्छा मटेरियल है. इसको लीजिए, इस ब्रांड को जरूर ट्राई कीजिए प्लीज. चलिए इसी के साथ मूव करती हूँ नेक्स्ट पे. कुर्ता ये भी भाई साहब मैं क्या बोलूं, पता नहीं कैसे मैंने ये सब ऑर्डर कर दिए. कोई एक से एक है यार. दिस इज फ्रॉम द ब्रांड पिस्ता. द साइज इज लार्ज. जितने भी कुर्ते हैं सब लार्ज साइज है, पहले बता दूं मैं आपको. लार्ज साइज है ये सारे के सारे कुर्ते. दिस इज द कुर्ता गाइज. ये नेक है, नेक पे आपको इस तरीके से पिन होल बटन के साथ दिया जा रहा है. पूरे पे ये स्ट्राइप वर्क है, बेस वाइट एंड द फुल लेंथ कुर्ता गाइज. बहुत प्यारा लगता है. स्लीव्स पे
इस तरीके से प्रिंट दिया हुआ है। ये प्रिंट इसलिए दिया गया है क्योंकि यही सेम प्रिंट हमने जो पैंट है इसके साथ उसके बॉर्डर पे भी यूज हुआ है। सेम फिर यही कुर्ता वाला इन्होंने यहाँ पट्टी दे दी है और इस ये हो गया हमारा स्लीव एंड दिस इज कम्प्लीट कुर्ता। इसकी अगर मैं फैब्रिक की बात करूँ तो क्या कहने, बहुत प्यारा फैब्रिक है। बस इसमें एक चीज मुझे लगी कि मेरा ना फैट है, आर्म्स पे फैट है तो थोड़ा सा टाइट है, तो पता नहीं श्रिंक ना हो जाए। अगर ये श्रिंक होगा तो थोड़ा सा हैंड पे टाइट होगा, बट मार्जिन इज देयर, मार्जिन है, आप इसको थोड़ा सा लूज कर सकते हो। अच्छा खासा तो नहीं बोलूंगी बट हाँ मार्जिन इतना है कि अगर स्लाइट लूज हुआ तो आप इसको हल्का सा स्लाइट टाइट हुआ तो आप इसको हल्का सा लूज जरूर कर लोगे। सो दिस इज द कुर्ता। नाउ मूविंग ऑन टू द पैंट, ये इसके साथ व्हाइट कलर का पैंट आता है, प्योर व्हाइट नहीं है। जैसे मैंने कहा स्लीव्स पे जो उन्होंने प्रिंट दिया है वही सेम प्रिंट इसके बॉटम या बॉर्डर कह सकते हो यूज हुआ है। सेम फैब्रिक है, फैब्रिक का आई एम लाइक लविंग इट, बहुत मुलायम फैब्रिक है। पता नहीं इतने इस रेट में आपको पूरा, क्योंकि जनरली आप अगर शॉप में जाओ सिलवाओ ना, मैं यहाँ जैसे नोएडा में रहती हूँ, यहाँ पे सिलाई 1000 रुपीज से कम तो कहीं भी नहीं है पैंट वाले उसका, और प्लस आपका जो सूट का मतलब फैब्रिक का चार्जेस है वो अलग लग जाते हैं। तो आपको सिलाई के ही पैसों में आपको पूरा का पूरा सूट बन के आ रहा है, वो भी इतनी अच्छी क्वालिटी का, तो मुझे लगता है इससे अच्छा डील तो हो ही नहीं सकता। सो दिस इज द पैंट। आगे में बेल्ट है और इस तरीके से ये इस तरीके से डोरी दी गई है, परसू शायद भी इनको लूज हो रहा है। ये पॉकेट है इसमें, बहुत अच्छा है गाइस, दिस इज द कंप्लीट पैंट लुक। और अगर इसके दुपट्टे की बात की जाए, दुपट्टे पे भी सेम प्रिंट यूज हुआ है जो कि पैंट में भी है और कुर्ते के स्लीव्स पे है। वेस्ट इज बहुत ही प्यारा, जो बॉडी हगिंग जो जनरली क्या बोलते हैं मलमल कॉटन जिसे हम कहते हैं उसका ही ये दुपट्टा है। मेरे लिए तो लाइक बिग थम्स अप। मैं पता नहीं भाई इतने अच्छे कुर्ते हैं, इतने अच्छे कुर्ते सेट हैं कि मेरे को कोई ऐसा मिल ही नहीं रहा जिसके बारे में मैं आपको ये बताऊँ कि खराब है। पता नहीं आप लोग ट्रस्ट भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं इस बात भाई, सबको अच्छा कैसे बोल रही है फर्स्ट टाइम है, वाकई बहुत अच्छे हैं। द ब्रांड इज पिस्ता, साइज इज एल एंड दिस इज दी लविंग इट, प्रिंट क्वालिटी एवरीथिंग इज जस्ट ऑसम। नाउ नेक्स्ट कुर्ता सेट इज फ्रॉम द ब्रांड गोश्रेकी, गोश्रेकी का है ये। द साइज अगेन एल गाइज, दिस इज अ वाइट। पहले मैं फैब्रिक की बात करूँ, फैब्रिक जो है ना इसका, ये कॉटन जो है ये श्रिंक करेगा आफ्टर वॉश, तो ये कपड़ा और धोने के बाद ये काफ़ी ट्रांसपेरेंट भी हो सकता है वो इसका। नाउ दिस इज द कुर्ता, कंप्लीट फोर प्रिंट है इस पर, ये इस तरीके से बेल बेल सी है, बेल का कलर ग्रे है, उसमें मजेंटा कलर कहीं कहीं यूज हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। तो दिस इज द कंप्लीट कुर्ता विद द प्रिंटेड, दिस इज द नेक डिजाइन, वी करके है यहाँ पे प्लेन नेक डिजाइन। स्लीव्स पे भी कोई पट्टी वट्टी कुछ नहीं है, सेम फ्लोरल यहाँ पे भी यूज हुआ है और यहाँ पे भी सेम फ्लोरल यूज हुआ है। पूरे कुर्ते पे यही प्रिंट है, बहुत अच्छा लेंदी कुर्ता है, साइज एल है, पहनने पे मुझे लग रहा है कि अच्छा लगेगा, लेकिन अगर मैं फैब्रिक की बात करूँ तो मुझे लग रहा है ये श्रिंक होगा गाइस। ये हो गया हमारा कुर्ता फ्रॉम द ब्रांड गोश्रेकी। नाउ लेट्स मूविंग ऑन द पैंट, पैंट इज ऑल्सो ऑफ द सेम डिजाइन, दिस इज लाइक ओवरऑल क्लोथिंग है मुझे ये पूरा का पूरा। ये पैंट है सेम आगे पीछे इलास्टिक है, प्लाजो स्टाइल पैंट है ये, आप इसको फिटिंग कराएंगे अकॉर्डिंगली, ट्राई ऑन हॉल पे आप देख लीजिएगा। लेंथ भी अच्छी खासी है, फुल लेंथ इसका प्लाजो है तो सेम है, इसमें दिखाने की जरूरत नहीं है। नाउ द दुपट्टा, दुपट्टा पे प्रिंट वही है, कलर इन्होंने दूसरा दे दिया। अब ये कलर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि भाई इसी का है या फिर ये कॉन्ट्रास्ट करके यूज़ करें। दिस इज हैविंग अ ब्लू कलर, उस पर मजेंटा था, लेट मी शो यू, दिस इज द डिफरेंस। बेल वेल तो सब सेम, बेल भी सेम नहीं है यार, उन्होंने गलती तो नहीं कर दी, मैं चेक कर लूँगी एक बार पिक्चर में, बट दिस इज अ दुपट्टा। दुपट्टे का फैब्रिक बहुत अच्छा है, लेंथ भी बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं है कि ये एक बैड डील है, डील इज़ गुड बिकॉज व्हाट आई एम फाइंडिंग द जो इसका मटेरियल है पहनने में बहुत अच्छा लगे, क्योंकि मेरा सिर्फ एक बोलते ना एक मुझे जो मैं पर्सनली फील कर रही हूँ कि अगर आपको इस रेंज में पूरा सेट मिल जा रहा है एंड इफ यू आर वेयरिंग दिस फॉर 2 months ऑल्सो, अगर आपको 2 महीने भी आप इसको पहन लेते हैं तो मेरे को लगता है ये पैसा वसूल डील है गाइस। ऐसा नहीं है कि यू आर लैकिंग समवेयर या फिर आपका कहीं पर नुकसान हुआ है, बिकॉज यू आर गेटिंग सच अ नाइस कंप्लीट ड्रेस। अगर आप इफ यू आर लाइक गोइंग टू ऑफिस एंड यू वांट डू वांट टू रिपीट द ड्रेस, यू कैन हैव 7 कुर्ता सेट, यूज़ कीजिए, यूज़ फॉर द नेक्स्ट 7 days अगेन। सो दिस इज नॉट अ बैड डील, बहुत प्यारा है ये भी गोश्रेकी को, तो मैं थम्स अप दूंगी कि भाई बहुत अच्छा है इनका। और फैब्रिक कलर बहुत सारे हैं इसमें, मेरे को ये अच्छा लगा तो मैंने ये ऑर्डर किया। तो चलिए ये तो हमारे रिव्यूज़ हो गए, अब हम मूव करते हैं अपने ट्राई ऑन हॉल पे, गो एंड सी।